friend, this is again Balbino Singh, and thank you so much for liking our previous video of F3 Dell. और मुझे काफी ज़्यादा मज़ा आया जो आपने questions पूछे मुझसे on Facebook page of Mozart, जो काफी interesting थे और मुझे काफी अच्छा लगा उन्हें answer देने में. So आज मैं फिर से आपके सामने हूँ with the new product of the day, that is Pacifica 012. So, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस गिटार की खासियत क्या है, कौन से पिकअप्स इसमें लगे हैं, क्या मेक है इसका. So, जैसे कि आप देख सकते हो, इसका जो नेक है, that is made up of maple wood. इसके साथ साथ जो इसका टॉप है, that is also maple wood. इसका जो ट्यूनिंग मैकेनिज्म है, ये, that is diecast chrome. और इसके टॉप में खासियत यह है कि इसमें बोल्ट दिया है जो काफी विंटेज स्टाइल देता है एक अपने आप को. इसके साथ साथ अगर आप नीचे उसके फ्रेटबोर्ड की तरफ देखोगे, दैट इज मेड अप ऑफ रोज वुड. ये जो फ्रेट वायर्स के साथ जो ये फ्रेट है, दैट इज रोज वुड. इसके साथ साथ इसका जो स्ट्रिंग गेज है, दैट इज रेगुलर डीएडब्ल्यू इलेक्ट्रिक गिटार स्ट्रिंग गेज. और उसके साथ साथ इसका जो ब्रिज है, ये ब्रिज, दैट इज ऑल्सो डाइकास्ट क्रोम है. और इसके साथ साथ ये विंटेज स्टाइल का है और इसका ट्रिमेलो भी विंटेज स्टाइल का है, जो एक काफी क्लासिक लुक देता है अपने आप को. और इसका जो बॉडी है, दैट इज मेड अप ऑफ गैथिस और नेटो वुड, सेम बैक में भी सेम वुड है. और इसके साथ साथ ये जो ब्लॉक दिया है, अगर आपका कोई स्ट्रिंग टूटता है तो आपको ये बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, आप इस होल में से सारी स्ट्रिंग्स निकाल सकते हो वापस. सो इसके साथ साथ इसमें वॉल्यूम नॉब दिया हुआ है और टोन नॉब दिया हुआ है, जो काफी अच्छा है. और इसके साथ 5 पोजीशन लेवर दिया हुआ है, जिससे आप पिकअप्स जो है, ये जो पैसिव पिकअप्स दिए हुए हैं, एक हम्बकल, 2 सिंगल कॉइल, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो. और ये काफी अच्छा गिटार है लाइव के लिए, फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए भी आप ये गिटार यूज कर सकते हो. इसके साथ साथ अगर हम इसके टोन लेवल की बात करें, इसका जो साउंड है किस टाइप का है, जी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो है इतने साउंड से आपको पता चलेगा कि इसका सस्टेन लेवल कितना है, जो काफी कम गिटार्स में होता है. साथ अगर आप प्लकिंग भी करते हो तो भी काफी अच्छा इसका टोन. पिकअप चेंज कर दे तो भी या रिदम प्ले कर दे तो अभी भी. और इसके साथ साथ अब पैसिफिका सीरीज जो है, दैट इज वेरी क्या बोलते हैं अपने, स्टार्टिंग सीरीज है यामा के गिटार्स में. सो इसके साथ साथ अगर आप लीड्स भी प्ले करते हो ऑन डिस्टॉर्शन में, तो वो भी काफी अच्छा साउंड है. या फिर आप पंक में भी ले सकते हो. और मेटल टोन क्वालिटी और जो साउंड है काफी अच्छा है, और बहुत ही बेसिक एंट्री लेवल गिटार है ये यामाहा पैसिफिका 012. और मार्केट में 3 कलर्स में अवेलेबल है, दैट इज ब्लू मेटालिक, सेकेंड इज रेड मेटालिक एंड थर्ड इज ब्लैक मेटालिक. और इनका MRP रहेगा 9995. सो आई होप आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि पैसिफिका 012 कौन सा मेक है, दैट इज इंडोनेशिया, प्लस
इसका जो फीचर्स है वो क्या है। सो अगर आपको फिर से अगर कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग पैसिफिका 012, एज यूजुअल आपको सिंपल लॉग इन होना है मुजार म्यूजिक वर्ल्ड के पेज पे, और वहाँ पे जाके आप मुझसे किसी भी टाइप के पैसिफिका 012 के डाउट्स पूछ सकते हो, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा उन्हें आंसर करने में। सो डू लाइक द पेज ऑफ मुजार म्यूजिक वर्ल्ड ऑन फेसबुक। So this is Balvinder Singh signing off. Thank you very much.